सितारगंज कोतवाली में अलग अलग बैठकें कर कोरोना वॉरियर्स व व्यापारियों तथा फर ठेली व्यवसायियों तथा टुकटुक चालकों को बुलाकर सीओ सितारगंज ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। उनका कहना था कि कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स व व्यापारियों तथा टुकटुक के चालकों के साथ अलग अलग बैठक करके कहा गया कि क्वारंटीन होने वालों को घर में नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। इसके साथ ही सीओ सितारगंज ने क्वारंटीन होने वालों के लिए ज़रूरी दिशा निर्देश दिए और कहा कि सबका कड़ाई से पालन किया जाए। टुकटुक और ठेली रेडी ठेली वालों अलग अलग मीटिंग दी है, जिसमें एसपीओस को जो होम क्वारंटाइन किए गए लोग हैं उसमें उनको क्या क्या कार्रवाई की जानी है उनके द्वारा, जैसे कि उनके घर पे वो एक पर्चा चस्पा किया गया है नहीं किया गया है, वो उसके लिए अलग व्यवस्था है या नहीं है जिसको होम क्वारंटाइन किया गया, ऐसी और भी कई चीज़ें उनको बताई गई हैं कि जिससे होम क्वारंटाइन की सारे जो नियम हैं उनका पालन किया जा सके उससे अवगत कराया जाए। इसके अलावा व्यापार मंडल से अपेक्षा की गई है कि वो अपनी दुकानों के आगे किसी भी ठेली या किसी भी फल वाले को ना लगने दी जाए, यदि ऐसा करते हैं तो ठेली वाले के विरुद्ध भी और व्यापारी के विरुद्ध भी जिसकी दुकान के आगे लगी है उनके चालान की कार्रवाई की जाएगी, दूसरी बार फिर बढ़ के चालान लिया जाएगा, तीसरी बार मुकदमा कायम किया जाएगा। टुकटुक वालों को अवगत कराया है कि आप अपने टुकटुक में सवारी बिठाने से पहले एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उसमें उनका नाम पता मोबाइल नंबर और कहाँ से लिया कहाँ छोड़ा वो पूरा इंद्राज करेंगे और बिना मास्क वाले को किसी को नहीं बिठाएंगे। ये अनुरोध हमने व्यापार मंडल से भी किया है कि बिना मास्क के अगर कोई सामान लेने आता है तो उसको सामान ना दिया जाए, इसमें उन्होंने हमें अपना पूर्ण सहयोग देने की बात कही है। ऐसी टुकटुक वालों ने भी अपना पूर्ण सहयोग देने। न्यूज़ स्टूडियो के लिए सितारगंज से चरण सिंह की रिपोर्ट।